कोर्ट मार्शल। आपने इस शब्द को न्यूज़ में सुना होगा या फिर मूवीज़ में देखा होगा और आपके पास इसके बारे में कुछ जानकारी भी ज़रूर होगी, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कोर्ट मार्शल क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में कोर्ट मार्शल को चित्रित किया गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है और इन मूवीज से कोर्ट मार्शल को काफी हाइप भी मिली हुई है। मेजर जयदेव राजवंश को देश के साथ गद्दारी करने और कैद से भागने के जुर्म में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए कमीशन्ड ऑफिसर रैंक को वापस दिया जाता है और उसे 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैद बामुशक्कत के लिए सिविल पुलिस को सौंपा जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे कोर्ट मार्शल के उस सफर पर जहां मिलिट्री जस्टिस की दुनिया खुलकर सामने आएगी। हम आपको बताएंगे कि कोर्ट मार्शल का जन्म कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है और कैसे ये प्रक्रिया आज के समय में काम करती है, और जानेंगे कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह के केसेस इसमें लाए जाते हैं और कैसे फैसला होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अनुशासन या डिसिप्लिन। ये ना सिर्फ एक लफ्ज है बल्कि एक मूल मंत्र है, एक जीवन शैली है जो फौज को कामयाबी की ओर ले जाती है। अनुशासन की जरूरत हमेशा होती है, चाहे वो ट्रेनिंग ग्राउंड हो या फील्ड ऑपरेशंस। इसका पालन करना फौजियों के लिए एक प्रशिक्षण और त्याग का प्रतीक है। पर क्या होता है जब एक फौजी इस अनुशासन का उल्लंघन करता है या फिर कोई अपराध करता है? देखिए, भारतीय सेना में अनुशासन का उल्लंघन करने या कोई अपराध करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर फिर भी कोई सैनिक या अधिकारी ऐसा करता है तो उसको इसकी सजा दी जाती है। सैनिक या अधिकारी ने किस तरह का अपराध किया है या अनुशासन का उल्लंघन किया है उसके अनुसार ही सजा दी जाती है। हर छोटी गलती के लिए कोर्ट मार्शल हो ये जरूरी नहीं होता, बल्कि ऐसे केसेस में ऑन द स्पॉट पर्सनल को पनिशमेंट दे दी जाती है। वही कोई बड़ी गलती या फिर देश के साथ गद्दारी करने पर कोर्ट मार्शल होना पक्का है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोर्ट मार्शल अपने आप में कोई सजा नहीं है। दरअसल ये एक तरह की कार्रवाई है जिसके तहत किसी भी सैनिक को सजा सुनाई जाती है। जब कोई मुकदमा सैन्य अदालत में चलाया जाता है तो उसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। सैन्य अदालत अपने सैनिकों को नियम तोड़ने या गलती करने पर सैन्य कानूनों के अनुसार दंडित करती है। अधिकांश देश की सेना न्यायिका प्रणाली या कोर्ट मार्शल बनाए रखती है ताकि अगर कोई कर्मी गलती करता है या अनुशासन तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शांतिकाल के दौरान कोर्ट मार्शल नहीं होता है। बाकी ऐसे में सजा देने के लिए सिविल कोर्ट को ही यूज किया जाता है। इंडिया में कोर्ट मार्शल से संबंधित कानूनी प्रावधान मेनली 3 कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं और वो 3 कानून हैं। द आर्मी एक्ट 1950, ये इंडियन आर्मी के पर्सनल पर लागू होता है। सेकेंड है द नेवी एक्ट 1957, जो इंडियन नेवी के पर्सनल पर लागू होता है, और थर्ड है द एयरफोर्स एक्ट 1950, जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल पर लागू होता है। युद्ध अपराधों के लिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर या युद्ध बंदियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट मार्शल का भी उपयोग किया जा सकता है। जिनेवा कनेक्शन के अनुसार किसी भी युद्ध बंदी पर युद्ध अपराध के मामले की सुनवाई कोर्ट मार्शल के तहत की जानी चाहिए। वही प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए जो सेना अपने सैनिकों के मामले में अपनाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप CDS एग्जाम सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं आपको CDS OTA बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20-25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10-15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। भारतीय सेना में 4 प्रकार के कोर्ट मार्शल होते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल यानी GCM, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल यानी DCM, समरी जनरल कोर्ट मार्शल यानी SGCM, समरी कोर्ट मार्शल यानी SCM। अलग अलग पद और कर्तव्य के अनुसार इनमें से किसी एक कोर्ट मार्शल का पालन किया जा सकता है। जनरल कोर्ट मार्शल यानी GCM, इसमें 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कम से कम 5 अधिकारी होते हैं और इन 5 अधिकारी में से 4 कैप्टन या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। GCM में सभी रैंक के पर्सनल्स यानी सैनिक और अधिकारी दोनों को सजा दी जाती है और इसमें फांसी और उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल यानी DCM, DCM का पैनल 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कम से कम 3 अधिकारी से मिलकर बनता है। इसमें अन्य रैंक और JCO को सजा दी जाती है।
समरी जर्नल कोर्ट मार्शल यानी एसटीसीएम में जम्मू एंड कश्मीर जैसे विशेष मामलों में सजा दी जाती है, लेकिन समरी कोर्ट मार्शल यानी एससीएम इन सब से थोड़ा अलग है। युद्ध या इमरजेंसी के दौरान जर्नल कोर्ट मार्शल का टाइम नहीं होता और इस वजह से कमांडिंग ऑफिसर ही कार्रवाई करके सजा देते हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी कोर्ट हत्या और रेप के अलावा किसी भी अपराध के लिए कार्रवाई कर सकती है। वही हत्या और बलात्कार के मामले में सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है। भारतीय सेना अभी भी उस सैन्य न्याय प्रणाली का उपयोग कर रही है जो ब्रिटिश सेना से ली गई थी। वही ब्रिटेन में आधुनिक न्याय प्रथा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। 1957 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना ने सैनिकों को कार्रवाई करके सजा देने के नियम बनाए थे। दरअसल इससे पहले कमांडेंट को अपने सैनिकों को दंडित या पुरस्कृत करने का अधिकार नहीं था। इस कारण एक सैन्य न्यायालय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और बाद में उसे बनाया भी गया। और इस तरह यूनियन ऑफ पावर ने कमांडिंग ऑफिसर को किसी भी अपराधी को दोषी ठहराना और सजा देने में सक्षम बना दिया। जब कोई गंभीर अपराध होता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश मिलता है। ये बिल्कुल पुलिस द्वारा FIR रजिस्टर करने के समान है। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो ये देखा जाता है कि सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है कि नहीं। ये बात याद रखें कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करती है, ना कि सजा देती है। ये बस विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और इसको सेक्शन 161 ऑफ CRPC के तहत पुलिस ऑफिसर्स द्वारा विटनेसेस से एग्जामिनेशन के समान मान सकते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद और समरी ऑफ एविडेंस के बाद ही जरूरी लगने पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाती है। मामले की सुनवाई हमेशा आरओपी के सीनियर रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे सीनियर अधिकारी पैनल के अध्यक्ष होता है। सिविल कोर्ट की तरह आरोपी किसी भी सैन्य वकील की मदद ले सकता है। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को भेजता है, जिसमें अपराधी को क्या सजा दी गई है ये होता है। अगर बात करें अपराधी को कोर्ट मार्शल के तहत मिलने वाली सजा की, तो ये अपराध के अनुसार कुछ भी हो सकती है। सजा जैसे कैद, सैलरी में डिडक्शन, डिमोशन यानी रैंक में कमी, सीनियोरिटी में कमी या फिर सबसे बड़ी सजा सजाए मौत, इनमें से कुछ भी हो सकती है। किसी भी पर्सनल का कोर्ट मार्शल होना सीधे उसके सर्विस रिकॉर्ड पर असर डालता है, जिससे आगे चलकर उसको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। अगर किसी अधिकारी की सीनियोरिटी 6 महीने से कम कर दी जाती है तो इसका मतलब होगा अधिकारी अपने साथ कमीशन पाए कोर्समेट से 6 महीने जूनियर हो जाएंगे। और अगर ये सीनियोरिटी पेंशन में से कम की जाती है तो अधिकारी को 6 महीने जूनियर मानकर रिटायर किया जाएगा। इसका असर अधिकारी की पेंशन पर पड़ेगा। कोर्ट मार्शल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। जिस अधिकारी ने फैसला सुनाया है अपराधी उसके सीनियर के पास जा सकता है, और अगर वह बात ना बने तो अधिकारी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। दरअसल पार्लियामेंट ने द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 पास किया, जिसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को 8 अगस्त 2009 में प्रेसिडेंट द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। जहां न्यू दिल्ली में इसका प्रिंसिपल बेंच मौजूद है, वहीं इसके रीजनल बेंचेस चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में मौजूद है, जिसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करके अपराधी की सजा कम कर सकता है या उसे माफ भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोर्ट मार्शल से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।